क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप हमेशा खुश रहें और अपने बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में डेल कार्नेगी की ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के गोल्डन नियमों को समझाया गया है। उन्होंने इस किताब में ऐसे नियमों के बारे में बताया है जिनका पालन करके आप अपनी जिंदगी की काया पलट सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हैं डेल कार्नेगी के वे गोल्डन नियम। नियम नंबर 1, आलोचना से हाथ ना जलाएं, अपना जीवन नष्ट होने से बचाएं। अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपनी युवावस्था में आलोचना के सरताज माने जाते थे। एक बार उन्होंने जेम्स सील्स नामक राजनीतिज्ञ को अपना निशाना बनाया। जेम्स एक सनकी व्यक्ति था, वह तलवार लेकर उनके पीछे पड़ गया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह देखकर लिंकन के साथियों ने बीच बचाव किया। तब कहीं जाकर जेम्स का क्रोध शांत हुआ, लेकिन इस घटना से लिंकन को यह बात समझ में आ गई कि दूसरों की हंसी उड़ाना या आलोचना करना कितना खतरनाक हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने इस काम से हमेशा के लिए तौबा कर ली। आप भी इस बात को गांठ बांध लें और कभी भी दूसरों की आलोचना ना करें, क्योंकि इससे और कुछ होता हो या ना होता हो, पर आपके दुश्मनों की संख्या जरूर बढ़ती है और आपके भीतर की पॉजिटिव एनर्जी घटती जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आलोचना से हाथ ना जलाएं और अपना जीवन नष्ट होने से बचाएं। नियम नंबर 2, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, आप स्वयं महत्वपूर्ण बन जाएंगे। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की तारीफ करते समय उसके चेहरे को ध्यान से देखा है? कैसे उसका चेहरा गर्व से चमक उठता है और वह स्वयं को साधारण से विशिष्ट महसूस करने लगता है। विशिष्टता का यह भाव मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है और सभी में पाई जाती है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, बेहद खास लोग भी इसके वशीभूत होते हैं और कभी कभी तो असामान्य हरकतें भी करने लगते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन इसी वजह से अपने को संयुक्त राज्य अमेरिका का महाबली राष्ट्रपति कहलाना पसंद करता था, और कोलंबस ने महासागर का सेनापति और भारत का राज प्रतिनिधि उपाधि पाने का प्रयास किया था। इसी वजह से महान लेखक विक्टर ह्यूगो की इच्छा थी कि पेरिस का नाम बदलकर उसके नाम पर रख दिया जाए, और महाकवि शेक्सपियर ने एक कुल चिन्ह प्राप्त करके अपने नाम को उज्जवल बनाने का प्रयास किया था। प्रसिद्ध दार्शनिक इमर्सन ने भी इसी बात को कुछ अलग अंदाज में बयां किया है। वे कहते हैं, जो भी मनुष्य मुझसे मिलता है वह किसी न किसी बात में मुझसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए मैं उससे कुछ शिक्षा जरूर लेता हूँ। इसलिए आप भी अगर लोगों को प्रभावित करने की कला में निपुण होना चाहते हैं तो आज से ही लोगों में रुचि लें और उनको महत्वपूर्ण महसूस कराएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप भी उनकी नज़रों में महत्वपूर्ण बन जाएंगे। नियम नंबर 3, सामने वाले के नज़रिए से बात करें, आपकी बात खुद ब खुद बन जाएगी। एक बार डेल कार्नेगी ने ट्रेनिंग सेशन के लिए एक होटल के हॉल को 21 दिनों के लिए बुक कराया, लेकिन इसके बाद होटल के मैनेजर ने हॉल का किराया 3 गुना बढ़ा दिया और उन्हें बढ़े हुए किराए का भुगतान करने के लिए पत्र भेजा। उस पत्र को पढ़कर डेल कार्नेगी मैनेजर से मिलने गए। उन्होंने मैनेजर से कहा, महोदय, मैं आपसे यह कहने नहीं आया कि आपने किराया बढ़ाकर गलत किया है। आपने बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनजर बिल्कुल सही निर्णय लिया है। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं भी होटल के किराए को बढ़ा देता, लेकिन मैं आपको इस निर्णय के एक दूसरे पहलू को भी दिखाना चाहता हूँ। कार्नेगी ने
कागज के बीचों बीच लाइन खींचकर उसके एक ओर इस निर्णय से होने वाले फायदे और दूसरी ओर नुकसान के बारे में लिखना शुरू किया। फायदे के कॉलम में उन्होंने लिखा, किराया बढ़ने की वजह से मैं अपनी बुकिंग कैंसिल कर दूंगा, इससे आपका हॉल खाली हो जाएगा और आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देकर 3 गुना लाभ कमा सकेंगे। इसके बाद उन्होंने नुकसान वाले कॉलम में लिखते हुए कहा, मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें लगभग 1000 लोग आएंगे, अगर उन लोगों को आपके होटल की व्यवस्था पसंद आ जाए तो वे आपके ग्राहक भी बन सकते हैं, लेकिन अब मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा तो वे लोग होटल में नहीं आ पाएंगे और इस तरह मेरे कार्यक्रम के जरिए आपके होटल का मुफ्त में होने वाला प्रचार भी रद्द हो जाएगा। अगर आप विज्ञापन पर $5,000 भी खर्च करें तो भी आप 1000 लोगों तक अपने होटल की खूबियां नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि हॉल का किराया बढ़ाने से आपको फायदा होगा या फिर नुकसान। डेल कार्नेगी की बातें सुनकर होटल का मैनेजर सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने बढ़े हुए 300% किराए को वापस ले लिया और सिर्फ 50% किराया बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन यह असंभव सा लगने वाला काम तभी हो पाया जब डेल कार्नेगी ने होटल के मैनेजर के नज़रिए से किराया बढ़ाने के बारे में सोचा और मैनेजर को उससे होने वाले नुकसान के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से किसी गंभीर मुद्दे पर बात करें, उसके नज़रिए से बात करें, आप देखेंगे कि आपकी बातें बेहद प्रभावी हो जाएंगी और कामयाबी खुद ब खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएगी। नियम नंबर 4, दूसरों में दिलचस्पी लें, वे आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे। हम जब भी कोई शादी या पार्टी का फोटो देखते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने आप को खोजते हैं। इसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप में दिलचस्पी रखता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर वह ऐसा करने लगे, यानी कि दूसरों में दिलचस्पी लेने लगे, तो उसे अपने जीवन में बेहद चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। अमेरिका के फिलेडेल्फिया नामक इलाके में नफल नामक एक कोयले का व्यापारी रहता था। वह एक चेन स्टोर के मैनेजर को कोयला बेचना चाहता था। उसने मैनेजर से 10 मिनट का समय लिया और उसे अपने कोयले के बारे में बताने लगा, पर मैनेजर ने उसकी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं ली। वह मेज पर फैले अपने कागजों को उलटता पलटता रहा और 7वें मिनट में ही उसने व्यस्तता का बहाना बनाकर नफल को वहां से चलता कर दिया। नफल ने इस विषय पर डेल कार्नेगी से चर्चा की। उन्होंने एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया और उसका विषय रखा, चेन स्टोरों का प्रसार देश के लिए नुकसानदायक है। इस प्रतियोगिता में नफल को विषय के विरोध यानी कि चेन स्टोरों के समर्थन में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। डेल कार्नेगी की सलाह पर नफल एक बार फिर उसी चेन स्टोर के मैनेजर के पास पहुंचा। उसने मैनेजर से निवेदन करते हुए कहा, सर मैं आपको कोयला बेचने नहीं आया हूं। दरअसल मैं एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं, जिसमें मुझे चेन स्टोरों के समर्थन में बोलना है और मेरी जानकारी में आपके अलावा कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो, इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। उस व्यस्त मैनेजर ने इस बार नफल से बड़े प्यार से बात की। उसने नफल को 1 घंटा 47 मिनट तक चेन स्टोर के फायदे बताए। इसके अलावा उसने एक दूसरे मैनेजर को भी बुलाया जिसने इस विषय पर एक किताब लिखी थी। उसने वह किताब भी मंगवा कर नफल को दी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैनेजर नफल को गेट तक छोड़ने गया और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए उससे परिणाम बताने का भी आग्रह किया। इसके बाद उसने नफल से एक और महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा, मिस्टर नफल, प्लीज़ आप अगले महीने की शुरुआत में एक बार मुझसे मिल लेना, मैं आपको अपनी कंपनी के लिए
कोयले का ऑर्डर देना चाहता हूँ। दोस्तों, देखा आपने, नफल ने जब तक कोयले के सौदे में रुचि दिखाई, मैनेजर ने उसे घास नहीं डाली। लेकिन जैसे ही उसने मैनेजर के काम में रुचि ली, वह प्रसन्न हो गया और उसने बिना कहे ही नफल को कोयले का ऑर्डर देने की पेशकश कर दी। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव इस नियम को याद रखें, आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। यकीन जानिए, ऐसा करते ही वे भी आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे। दोस्तों, ये थे दुनिया को जीतने वाले डेल कार्नेगी के 4 गोल्डन नियम, जिन्हें अपनाकर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। बाकी के नियमों की चर्चा अगले वीडियो में जारी रहेगी। अगर आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के गोल्डन नियमों के बारे में विस्तार से जानना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से इस किताब को मंगा सकते हैं। डेल कार्नेगी के बाकी के गोल्डन नियमों को जानने के लिए बाईं तरफ के वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप लोगों को 90 सेकंड में इम्प्रेस करने की कला सीखना चाहते हैं, तो दाईं तरफ के वीडियो को क्लिक करें। साथ ही पॉजिटिव नज़रिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। जय हिंद, जय हिंदी।